आज हम सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इनके कार्यकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ तथा 15 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। इनका जन्म 1531 में रूस में हुआ था। इनका जन्म भी एक किसान परिवार में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, रूस की 90% जनता कृषि से जुड़ी हुई थी। इन्होंने अपने जीवन काल में दूसरा विश्व युद्ध देखा था। इनके पिताजी भी इस युद्ध में गए थे, क्योंकि जर्मनी की सेना पूरी तरह सोवियत संघ की सेना को परास्त कर रही थी। सोवियत संघ में युद्ध में लड़ने के लिए सैनिकों की कमी पड़ती जा रही थी। स्टालिन ने किसानों को भी युद्ध में भेज दिया। दूसरा विश्व युद्ध 6 साल तक चला, भले ही आखिरी में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई हो और जर्मनी की हार, परंतु इस युद्ध की वजह से जीतने वाले देशों में भी भयानक रूप से तबाही हुई। एक तरफ दूसरे विश्व युद्ध की मार तथा दूसरी तरफ स्टालिन की तानाशाही। सोवियत संघ की जनता के पास सरकार के आदेशों को चुपचाप मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। जनता चुपचाप अन्याय सहती थी, क्योंकि विरोध करने का अर्थ था मौत की सजा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुरंत ही शीत युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। दोनों ही अपने आप को ताकतवर देश बनाना चाहते थे, विश्व राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। जैसा कि हम जानते हैं, इनके बीच विचारधारा की लड़ाई थी। अमेरिका लोकतंत्र का हिमायती था और पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था। वहीं सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था, जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को चाहता था। इनकी इसी प्रतिस्पर्धा ने विश्व को दो ध्रुवीय बनाया। कई देश सोवियत संघ की विचारधारा के समर्थक थे तो कई देश अमेरिका के विचारधारा के समर्थक थे। इस शीत युद्ध की वजह से दोनों के बीच हथियारों की होड़ रही। दोनों देशों ने बहुत ही अधिक मात्रा में विनाशकारी हथियारों का निर्माण किया। दोनों के बीच स्पेस रेस थी, यानी कि दोनों में ये होड़ थी कि अंतरिक्ष में और चंद्रमा में सबसे पहले अपने मिसाइलें कौन कौन भेजेगा। इस प्रतिद्वंदता की वजह से सोवियत अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आती चली गई। सोवियत संघ में निर्मित होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती रही। कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं रहा, क्योंकि क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है, इन सभी पर सरकार का नियंत्रण होता था और सरकार का ध्यान शीत युद्ध की तरफ था। क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का हिमायती था, वहां पूंजीवादी व्यवस्था था, तो वहां पर अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, जिसकी वजह से भले ही सरकार का ध्यान शीत युद्ध की तरफ रहे, पर लगातार टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रही थी, वस्तु की गुणवत्ता में विकास हो रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव ने शीत युद्ध से हुए प्रभाव को देखा और उन्हें पता था कि सोवियत संघ लगातार पिछड़ता जा रहा है। मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे तथा अपनी मेहनत तथा लगन की वजह से वो पार्टी में धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाते जा रहे थे। 1985 में उन्हें यूएसएसआर का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। रूस में ये सबसे उच्च पद होता है और इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाता है। जो भी जनरल सेक्रेटरी होता है उसे उसके बाद राष्ट्रपति का पद दे दिया जाता है। राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने कई सुधार कार्य किए। ये उदारवादी विचार के नेता थे। इन्होंने ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस तथा पेरेस्ट्रोइका यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग जैसी पॉलिसी लेकर आए। ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस का अर्थ है ग्लास की तरह क्लियर, पारदर्शी। जनता को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई। प्रेस पर लगे सेंसरशिप को खत्म किया गया। मीडिया में अब सरकार की नीतियों पर खुलेआम डिबेट होती थी। इससे पहले रूस में केवल वन पार्टी सिस्टम था, केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। इन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू किया। ये डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। इन्होंने शीत युद्ध की टेंशन को खत्म करने के लिए पश्चिमी देशों के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश की। ये अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी तथा ब्रिटेन की यात्रा पर गए और उनसे अपनी मित्रता बढ़ाई। शीत युद्ध के दौरान जिन जिन देशों में सोवियत सेना उलझी हुई थी, इन्होंने अपनी सोवियत सेना को वापस बुलाना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1979 से लेकर 89 तक 10 वर्ष तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना और अमेरिका की सेना एक दूसरे से लड़ रही थी। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत सेना को वापस बुलाया। उनकी इस तरह की सुधारवादी नीतियों की वजह से उन्हें एक तरफ पश्चिमी देश से उनकी सराहना हो रही थी और उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। 1990 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया। वहीं उनके अपने ही देश में उनके खिलाफ विरोध की आवाज उठने शुरू हो गई थी।
उनकी सुधारवादी नीतियां कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये रूस में ये सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी खत्म करना चाह रहे हैं। इसी वजह से बाकी कम्युनिस्ट नेताओं ने मिलकर इनकी तख्ता पलट करने की कोशिश की, जो कि असफल रहा। वही जनता को भी, प्रेस को भी अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई थी। इसी वजह से जनता खुलकर सरकार का विरोध करने लगी। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। इन गणराज्यों में से सबसे बड़ा राज्य था रूस। रूस का वर्चस्व अन्य गणराज्यों में सबसे अधिक था। सभी विकास कार्य रूस में ही होते थे। स्कूल, कॉलेज, उद्योग धंधे रूस में स्थापित किए जाते थे। और बाकी जो 14 गणराज्य और थे, वहां विकास कार्य बहुत धीमी गति से हो रहे थे। ऐसे में बाकी गणराज्यों ने रूस से सोवियत संघ से अलग होने का फैसला किया और इन सभी गणराज्यों में आजादी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। वो स्वतंत्रता चाहते थे और सोवियत संघ से अलग होके इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में स्थापित होना चाह रहे थे। ऐसे में गोर्बाचोव ने अपनी सेना को भेजकर इन विरोध को रोकने की ज्यादा कोशिश नहीं करी, जिसकी वजह से एक एक करके ये पंद्रह गणराज्य स्वतंत्र होते चले गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया और 15 नए राज्यों का उदय हुआ। 25 दिसंबर 1985 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि इनके खिलाफ जनता भी इनके खिलाफ हो गई थी और बहुत सारे कम्युनिस्ट नेता भी इनके खिलाफ थे। तो और ये न तो सोवियत संघ न इन विरोध के स्वर को रोक पाए और न ही सोवियत संघ के विघटन को रोक पाए, जिसकी वजह से इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना।